क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम। मतलब हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर है जिसका वेट कितना है, 0.018 ग्राम है। हमें इसमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मोल्स ऑफ वाटर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने मोल्स वाटर जो है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मोल्स ऑफ वाटर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, गिवन वेट कितना दे रखा है, 0.018 ग्राम, ओवर में कितना आ जाएगा इसका मोलर मास, दैट इज 18। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻³ मोल्स, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻³ मोल्स, ठीक है, ये मोल्स हो गए। अब हमें पता है कि अगर हम लोग 1 मोल की बात करें तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज 6.022 × 10⁻²³ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इतने होंगे। अब हमारे पास कितने मोल है, 1 × 10⁻³, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 × 10⁻³ मोल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 6.022 × 10⁻²³ मल्टीप्लाई 1 × 10⁻³। ये कर देंगे तो जब करेंगे तो कितना आ गया आंसर, 6.022 × 10⁻², बेस सेम पावर विल एड, तो 20 मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।